हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले एनएलसी इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जहां पर स्टॉक 2% की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और आज के दिन इस स्टॉक में 1 रुपए 60 पैसे की तेजी देखने को मिली है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। 1 महीने में 7.5%, 3 महीने में 7%, 6 महीने में 4% और 1 साल में 15% के करीबन की तेजी देखने को मिल रही है। तो लगातार इस स्टॉक में देखें तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, परंतु एक सप्ताह से इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली है, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया। 94 रुपीज का इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अब इस स्टॉक का नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है 72 रुपीज। 72 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 78 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 94 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाएं और लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, वहां पर एक अच्छा और बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।